लातेहार जिले की बालूमाथ प्रखंड स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में नोटबंदी के समय जैसी भीड़ देखने को मिल रही है। बैंक में जमा भीड़ को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो बैंक में किसी मेले का आयोजन हुआ हो। SBI में कई गरीब और बुजुर्ग खाताधारक प्रचंड गर्मी के दिनों में भी सुविधाविहीन शाखा में भूखे और प्यासे पसीना बहाने को विवश हैं। वहीं इस भारी समस्या पर बैंक शाखा के पदाधिकारी का रवैया बेहद उदासीन है। बैंक के काउंटरों पर हम देखें तो लगभग 30-40 की संख्या में ग्राहक पंक्तिबद्ध खड़े जरूर मिल जाएंगे। बैंक खाता धारकों की आम शिकायत है कि कर्मचारियों द्वारा बेहद धीमी गति से कार्य निपटाया जाता है और ग्राहकों की भीड़ दिन चढ़ने के साथ बढ़ती ही जाती है। वहीं कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि काउंटर से बैंक कर्मचारी घंटों गायब मिलते हैं। यहां पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की खासी भीड़ जमा होती है। बैंक कर्मचारियों द्वारा इनके कार्य निपटाने में काफी समय लिया जाता है, जबकि त्वरित गति से कार्य निष्पादन को लेकर प्रायः प्रतिदिन शाखा पर बैंक कर्मचारी और ग्राहकों के बीच तू-तू और मैं-मैं का होना आम बात सी हो गई है। बालूमाथ में 2 ATM सेंटर हैं, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा भारतीय स्टेट बैंक का। ग्राहकों का कहना है कि ATM में पैसे की कमी हमेशा रहती है, जिसकी वजह से बैंक में ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। इन हालातों में SBI के क्षेत्रीय एवं मुख्य शाखा पदाधिकारियों की मौन साधना लापरवाही को ही दर्शाती है।